अध्यक्ष महोदया और सभी माननीय सदस्यगण, 16वीं उड़ीसा विधानसभा के 15वें सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर मैं इस पवित्र सदन के समस्त माननीय सदस्यों और उड़ीसा की जनता को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह पवित्र सदन वर्तमान सदस्य और पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय सूर्य नारायण पात्र, पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय महेश्वरी महंती, सरकार के पूर्व मुख्य सचेतक स्वर्गीय अजय कुमार जेना, पूर्व मंत्री स्वर्गीय सरस्वती प्रधान, स्वर्गीय रास मंजरी देवी, स्वर्गीय बीरेन्द्र चंद पांडे, स्वर्गीय भगवती पुजारी, स्वर्गीय त्रिलोचन कानगो, स्वर्गीय रमेश सोरेन, स्वर्गीय निवेदिता प्रधान, स्वर्गीय कुमार बेहरा, स्वर्गीय रविदास, स्वर्गीय युधिष्ठिर सामंतराय, जो इस पवित्र सदन के सभी पूर्व सदस्य रहे हैं, और पूर्व लांस नायक 49 राष्ट्रीय राइफल स्वर्गीय देवाशीष बिस्वाल, पूर्व कांस्टेबल जीडी 60 सीआरपीएफ बटालियन सीआरपीएफ स्वर्गीय सुशांत कुमार खुंटिया, पूर्व कांस्टेबल उड़ीसा पुलिस स्वर्गीय सुशांत कुमार महंती, पूर्व लांस हवलदार 620 ईएमआई बटालियन स्वर्गीय सरोज कुमार दास, पूर्व कांस्टेबल 2006 कोबरा बटालियन बीएसएफ स्वर्गीय प्रकाश चंद सियाल के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिवंगत आत्माओं के शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे स्वर्गीय एमएम राजेंद्र उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल और सदन के पूर्व सदस्य स्वर्गीय रसानंद साहू, स्वर्गीय संतोष कुमार प्रधान, स्वर्गीय रमेश जैना, स्वर्गीय नृसिंह नंद ब्रह्मा, स्वर्गीय सुश्री देवी, स्वर्गीय जयनारायण महंती की अमर आत्मा को यह सदन श्रद्धांजलि अर्पित करती है। साथ ही साथ दिवंगत आत्माओं के शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है। सर्वप्रथम मैं इस वर्ष 17 जनवरी को 800 करोड़ की लागत से पूरी श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प के सफल लोकार्पण और दुनिया भर के जगन्नाथ भक्तों को इसके ऐतिहासिक लोकार्पण पर अपनी सरकार की स्पष्ट शब्दों में सराहना करता हूं। पूरी हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना, जिसने तीर्थ नगरी पूरी में 12वीं सदी के इस मंदिर में आने वाले भक्तों के समग्र आध्यात्मिक अनुभव और सुविधा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है। राज्य और विदेश से आए असंख्य जगन्नाथ भक्तों की उपस्थिति में एक शानदार समारोह के रूप में लोकार्पित हुआ। उड़ीसा के गौरव का केंद्रीय प्रतीक जगन्नाथ धाम का यह श्री मंदिर अब अपने चारों ओर 75 मीटर लंबे गलियारों के साथ भक्तों, तीर्थयात्रियों और आगंतुकों को मंदिर की आध्यात्मिक उपलब्धि की श्रीवृद्धि करने का अवसर प्रदान करेगा। उड़ीसा के गौरव का मुख्य आधार श्री मंदिर के चारों ओर 75 मीटर चौड़ा विरासत गलियारा है, जो अब समस्त जगन्नाथ भक्तों, तीर्थयात्रियों और आगंतुकों को श्री मंदिर के साथ साथ उसके नीलचक्र और मेघनाथ प्राचीर के आध्यात्मिक अनुभव को बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। यह प्रकल्प आगंतुकों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ मंदिर की सुरक्षा को मजबूत करेगा। पुरी में 12वीं सदी के इस मंदिर तक निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के लिए मेरी सरकार ने राज्य की प्रमुख लक्ष्मी लोकेशन एक्सिबल मल्टी मॉडल योजना के अंतर्गत उड़ीसा के सभी जिलों से पवित्र शहर पुरी तक सरकार ने श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस बस सेवा भी प्रारंभ कर दी है। प्रतिदिन अत्याधुनिक श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प के साथ साथ मंदिर में आने वाले असंख्य लोगों को सुविधा प्रदान करना मेरी सरकार की दूरदर्शी पहल का एक हिस्सा है। उड़ीसा की आस्था के केंद्रीय प्रतीक में इस तरह के अभूतपूर्व परिवर्तन के साथ मेरी सरकार ने अपने राज्य की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित, संरक्षित और पुनर्निर्मित और बढ़ावा देने के लिए राज्य भर में धार्मिक संस्थानों के नवीनीकरण और पुनर्विकास को भी प्राथमिकता दी है। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी सरकार की इस पहल से राज्य भर के पूजा स्थलों को लाभ मिल रहा है।
श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प को उड़ीसा के लोगों को समर्पित करने के 10 दिन के बाद मेरी सरकार ने संबलपुर जिले में पुनर्विकसित समलेश्वरी मंदिर को लोकार्पित किया है, जो राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। महानदी के तट पर स्थित 16वीं सदी के इस मंदिर के परिधि क्षेत्र के 39 एकड़ क्षेत्र में 200 करोड़ की समलेही परियोजना के अंतर्गत विकसित किया गया, जिसमें आस्था के केंद्र का परिधेय, विकास, एक परंपरा गलियारे का निर्माण, भक्तों, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए सुविधाएं तथा मंदिर तक पहुंचने में व्यवस्था सुधार और महानदी नदी तट के विकास आदि इसमें शामिल है। मेरी सरकार श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प और समलेही परियोजना के लिए स्वेच्छा से अपनी जमीन दान देने वाले उन लोगों के अमूल्य सहयोग को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करती है। हमारी प्राचीन मंदिर विरासत को सुरक्षित, संरक्षित और प्रसारित करने के लिए 11वीं सदी के श्री लिंगराज मंदिर के आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए मेरी सरकार 280 करोड़ की लागत से काम परियोजना को अविराम गति से आगे बढ़ा रही है। मंदिर का काम निरंतर और अबाध गति से आगे बढ़ रहा है। लिंगराज मंदिर के आसपास के 80 एकड़ क्षेत्र में प्राचीन बलवा पत्थर के मंदिर, विरासत तालाब और पुष्करिणी के एक श्रृंखला सहित कई स्मारक शामिल हैं, जो हमारी प्राचीन वास्तुकला और ऐतिहासिक विरासत का एक जीवंत प्रमाण है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 15वीं शताब्दी ईस्वी तक 2000 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही प्राचीन विरासत स्थल की भव्यता को बढ़ाने के लिए अब इसे सौंदर्य की दृष्टि से पुनर्विकसित किया जा रहा। ग्रामीण उड़ीसा में अगले स्तर तक रूपांतर, त्वरित विकास के साथ ग्रामीण बुनियादी ढांचे को गति प्रदान करना और राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दृष्टि से मेरी सरकार की नई पहल आम उड़ीसा नवीन उड़ीसा अपने आप में एक अनोखा विकास मॉडल है। इसके माध्यम से मेरी सरकार ग्रामीण बुनियादी ढांचे में अगले स्तर का रूपांतर करने, इंटरनेट सेवा की सुविधाएं सुनिश्चित करने, कीड़ा संबंधी आधारभूत सुविधाएं, स्वयं सहायता समूह के लिए प्रशिक्षण केंद्र उपलब्ध करने, बैंकिंग और डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ गांव को सशक्त बनाने और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित, सुरक्षित और प्रोत्साहित करने का इरादा रखती है। हमारे सपनों का नया उड़ीसा बनाना वास्तव में सराहनीय है। मैं अपनी सरकार की पथ प्रदर्शक पहल नुआओं की भी सराहना करना चाहूंगा, जो युवा भागीदारी और सशक्तिकरण के लिए एक नया दृष्टिकोण है, जो खेल प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक गतिविधियों और सामाजिक गतिविधियों को शामिल करने वाले एक सशक्त संसाधन के रूप में कार्य करता है। यह जानकर प्रसन्नता का एहसास दिलाती है कि मेरी सरकार ने राज्य तथा अन्य स्थानों के साथ साथ और विदेशों में बड़े स्तर पर उड़िया भाषा को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह का पहला विश्व उड़िया भाषा सम्मेलन आयोजित करने की पहल की है। उड़ीसा भारत में ब्रिटिश शासन के युग में 1 अप्रैल 1936 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है। उत्कल सम्मेलनी से लेकर वर्तमान विश्व उड़िया भाषा सम्मेलन तक उड़ीसा की मातृभाषा, उड़िया की सांस्कृतिक भाषा का दर्जा पाने वाली छठी भारतीय भाषा बनी है और इंडो आर्यन भाषण समूह में पहली है। भारत में उड़िया 3.75 करोड़ बोलने वालों के साथ 9वीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। उड़िया राज्य की लगभग 84% जनसंख्या द्वारा यह बोली जाती है। दुनिया भर में 4.5 करोड़ बोलने वालों के साथ विश्व में 37वीं सबसे अधिक बोले जाने वाली यह भाषा है। उड़िया भाषा के लंबे साहित्यिक इतिहास के चलते तथा हमारे देश के समृद्ध और प्रगतिशील भाषाओं के रूप में अपना वर्चस्व एक उत्सव का अधिकारी है और इसके संरक्षण और प्रसार पर आगे विचार की कार्य योजना बनाया जाना चाहिए। विश्व उड़िया भाषा सम्मेलन इस दिशा में एक सही कदम है। मैं इस दुर्लभ कार्य के लिए अपनी सरकार को बधाई देता हूँ। हाल ही में उत्कल मणि गोप बंधु दास की कर्मभूमि सत्यवादी में उड़िया विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन मेरी सरकार की एक और सराहनीय उपलब्धि है। वकुलबन में विश्वविद्यालय की नींव 4 साल पहले उत्कल मणि गोप बंधु दास की जयंती पर मेरी सरकार द्वारा रखी गई थी। भाषा किसी जाति की पहचान होती है। इसके सतत प्रयोग से राष्ट्र का गौरव समृद्ध और संवर्धित होता है। उड़ीसा के स्वर्णिम काल के दौरान सत्यवादी में उड़ीसा विश्वविद्यालय उद्घाटन के साथ उड़िया पुनर्जागरण की पीठ सभी उड़िया के लिए अत्यंत गर्व का विषय है।
क्योंकि उत्कर्ष का यह केंद्र पूरी तरह से उड़िया के शोध और विकास के लिए समर्पित होगा। मेरी सरकार की 5T और मो सरकार ने पहल ने परिवर्तनकारी शासन के एक नई युग की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से राज्य के लोगों की पहुंच अनेक सरकारी पहलों और कार्यक्रमों के बीच ला दी है। मेरी सरकार ने हमारी विकास आवश्यकताओं में से कई अद्वितीय सफलता प्राप्त की है, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, खाद्य सुरक्षा हो, आपदा प्रबंधन हो, स्कूल रूपांतर हो, युवाओं को कौशल प्रदान करना हो, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल हो, पूंजी निर्माण हो, उद्यमशीलता हो, निवेश के अवसर हो, त्वरित और परिणामुख सेवा निवारण हो, विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन या क्रीड़ा को बढ़ावा देना हो। हमारी शासन व्यवस्था अब पारदर्शी और सुशासन का पर्याप्त बन गई है। मैं इस अवसर पर जन केंद्रित शासन के कई क्षेत्रों में राज्य के अगले स्तर के परिवर्तन को सफलतापूर्वक शुरू करने, बड़े पैमाने पर निवेश के अवसरों के लिए अनुकूल व्यावसायिक माहौल प्रदान करने और उड़ीसा को एक विश्व स्तरीय खेल और पर्यटन स्थल के रूप में बदलने के लिए अपनी सरकार की सराहना करता हूँ। राज्य के कृषि और से संबंधित क्षेत्रों ने 2022-23 के लिए सकल राज्य मूल्य वर्धित में 22.5% का योगदान दिया है। औद्योगिक श्रम बल सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार यह क्षेत्र लगभग 45.80% कार्यबल को सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करता है। यह राज्य में सामाजिक आर्थिक विकास की कुंजी है, इसलिए मेरी सरकार कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाकर कृषि और उसके संबंध क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कई सार्थक कदम उठा रही है। पिछले कुछ वर्षों में मेरी सरकार ने उत्पादकता और बढ़ाने और निष्पक्ष कुशल और पारदर्शी तरीके से नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए नई अत्याधुनिक मशीनरी उभरती प्रौद्योगिकियों और सूचना प्रौद्योगिकियों हस्तक्षेपों का उपयोग करके एक मानदंड स्थापित किया है। अलग कृषि बजट, समर्पित कृषि कैबिनेट, 5T और मोर सरकार के अधीन क्षेत्र से संबंधित कई सेवाओं को शामिल करना कुछ उल्लेखनीय पहल है, जिन्होंने राज्य के किसानों के क्षेत्रीय विकास और कल्याण के लिए आवंटन प्राथमिकता तेजी से निर्णय लेने को सूचित किया है। मेरी सरकार पारंपरिक आधिकारिक प्रक्रियाओं से ऊपर लोगों की सज्जनता पर भरोसा करती है। राज्य में खाद्यान्न उत्पादन 2022-23 के दौरान 141.36 लाख मेट्रिक टन पहुंच गया, जो 2001 के दौरान 55.35 लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 2.5 गुना। इसी प्रकार चावल की उत्पादकता 2936 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के स्वर्णकालिक उच्च स्तर को छू गई है, जो अवधि के दौरान 1041 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से लगभग 3 गुना अधिक है। लगातार प्राकृतिक आपदाओं, बेमौसम चक्रवाती बारिश और बाढ़ के बावजूद राज्य में खाद्यान्न उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। बेहतर कीमतों और उचित खरीद समर्थन के आश्वासन के कारण राज्य में कपास की खेती में लगातार वृद्धि हो रही है, जो 2.3 लाख हेक्टेयर के स्वर्णकालिक उच्च स्तर को छू रही है। कपास की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है कि राज्य से कपास का निर्यात शुरू कर दिया गया है। मेरी सरकार ने खरीदार के दृष्टिकोण से कृषि क्षेत्र में नए अवसरों की तलाश में मई 2023 के दौरान पहली बार कृषि कंक्लेव का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस अभियान से किसान उत्पादक समूह, खरीदारों, सरकारी एजेंसियों और क्षेत्र के अन्य सभी को अत्यधिक लाभ हुआ। समग्र रूप से कृषि क्षेत्र से अधिक रिटर्न प्राप्त करने के लिए मांग आधारित उत्पादन कार्यक्रमों की पहचान करने और उन्हें प्रारंभ करने की परिकल्पना की गई है। उड़ीसा जलवायु प्रतिरोधी और पोषण से भरपूर फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उड़ीसा मिलेट मिशन शुरू करने वाली अग्रणी राज्यों में से एक रहा, जो हमारी पोषण सुरक्षा में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मेरी सरकार के मिशन मोड दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप पोषक अनाज के प्रति हमारी रणनीति संपूर्ण रूप से परिवर्तित हुआ है। मिलेट किसानों को ऑनलाइन प्रणाली MPS के माध्यम से खरीद सहायता प्रदान की जा रही है। खरीफ विपणन ऋतु 2022-23 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लगभग 6.03 लाख क्विंटल रागी की खरीदी की गई। 2023-24 के दौरान इस खरीद समर्थन को 8 लाख क्विंटल तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है और यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मेरी सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रागी और ICDS के अंतर्गत पोषण कार्यक्रम को शामिल करने के लिए कदम उठाए हैं।
मेरी सरकार द्वारा पीडीएस के अंतर्गत लगभग 113.76 लाख राशन कार्ड धारकों को 4 लाख क्विंटल रागी की आपूर्ति 1 रुपया प्रति किलोग्राम में की कीमत पर की जा रही है। उड़ीसा को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय अनुसंधान संस्थान और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा स्थापित पोषक अनाज पुरस्कार के अंतर्गत प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ मिलेट प्रोत्साहन राज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और नीति आयोग ने उड़ीसा मिलेट मिशन को सर्वोत्तम मॉडलों में से एक के रूप में मान्यता दी है और विभिन्न राज्य सरकारों से मिलेट को बढ़ावा देने के लिए मेरी सरकार के दृष्टिकोण को अपनाने का अनुरोध किया है। वर्ष 2022 से उड़ीसा 10 नवंबर को मंडिया दिवस मिलेट दिवस के रूप में मनाने वाले भारत का पहला राज्य बन गया है, जिसका उद्देश्य उड़ीसा और देश में मिलेट के महत्व को बढ़ावा देना है। मेरी सरकार के किसान कल्याण कार्यक्रम कलिया आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता 2018 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को सपोर्ट देना और उसके माध्यम से राज्य में कृषि समृद्धि में तेजी लाना और गरीबी को कम करना है। अब तक राज्य में 43.88 लाख छोटे और सीमांत किसानों को 18.93 लाख भूमिहीन कृषि परिवारों को कलिया योजना के तहत सहायता दे जा चुकी है। मेरी सरकार का पशुधन क्षेत्र से राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था में विकास का प्रमुख संचालक है। अधिकतर यह भूमिहीन सीमांत और छोटे किसानों के लिए आजीविका का साधन है। इस समय महिला एसएजी और अन्य उद्यमी भी इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए मेरी सरकार ने 90% से अधिक मादा बछिया पैदा करने के उद्देश्य से उन्नत गोजातीय प्रजनन तकनीकी सेक्स सॉर्टेड सीमेन के माध्यम से कृत्रिम गर्भधारण की शुरुआत की है। सुनिश्चित कृत्रिम गर्भधारण प्रदान करने के दृष्टि से पूरी जिले में पायलट के रूप में शुरू की गई ऑन कॉल कृत्रिम गर्भधारण सेवा मेरी सरकार द्वारा सभी जिलों में शुरू की जाएगी। मेरी सरकार व्यावसायिक रूप से बकरी पालन इकाइयों और खनन प्रभावित जिलों में छोटी बकरी पालन इकाइयों वाले गरीब किसानों के लिए महिला स्वयं सहायता समूह का सपोर्ट करके बकरी के मांस का उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। पिछले 2 वर्षों के दौरान वाणिज्यिक बकरी पालन इकाइयां स्थापित करने के लिए मेरी सरकार द्वारा 4,105 महिला स्वयं सहायता समूह को समर्थन दिया गया है। राज्य को अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और दिनता विकास को बढ़ावा देने के लिए मेरी सरकार मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना के तहत न्यूनतम 10,000 पक्षी क्षमता वाली वाणिज्यिक परत इकाइयों की स्थापना के लिए नई उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है, जहां सब्सिडी वितरण की सरलीकृत प्रक्रिया के साथ 1 करोड़ तक के ऋण पर 40% से 50% अंशदान प्रदान की जाती है। इससे राज्य में अंडा उत्पादन को 2021-22 में 84.3 लाख अंडे प्रतिदिन से बढ़कर 2023-24 में 103 लाख अंडे प्रतिदिन करने में मदद मिली है। पशु चिकित्सा सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए मेरी सरकार द्वारा गो सुगम और निर्णय समर्थन प्रणाली जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से प्रौद्योगिकी का श्रेष्ठतम उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। पशुधन क्षेत्र की सब्सिडी उन्मुख योजना और सब्सिडी ओरिएंटेड स्कीम के लिए आवेदन अब गो सुगम के ऑनलाइन पोर्टल माध्यम से प्राप्त किए जा रहे हैं। सरकारी अधिकारियों के साथ सार्वजनिक संपर्क को कम करने, प्रक्रियाकरण समय को कम करने, भ्रष्टाचार को खत्म करने तथा लाभार्थियों के लिए पारदर्शिता और जवाबदेह लाने में सक्रिय अधिसूचनाएं, आवेदन प्रस्करण ट्रैकिंग और अंतिम सब्सिडी राशि जारी होने तक निगरानी अब पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। मेरी सरकार राज्य के सभी 314 ब्लॉक में 314 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से किसानों के घर पर पशु चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल निदान और प्रजनन सेवा प्रदान करती है। इस सेवा को अब किसानों के आवास पर बेहतर पशु चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल के लिए छोटी शल्य क्रिया और अन्य सुविधाओं के प्रावधान के तहत नए अनुकूलित वाहनों के साथ मजबूत किया जा रहा है। 2022-23 के दौरान राज्य का समग्र मछली उत्पादन बढ़कर 10.52 लाख मीट्रिक टन हो गया। 2022-23 के दौरान सी फूड भी बढ़कर 85,300 मीट्रिक टन हो गया। समुद्री खाद्य निर्यात का पिछले 5 वर्षों के दौरान 1.5 गुना बढ़कर 2022-23 में 4,546 करोड़ रुपये हो गया। क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों विस्तार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत के साथ मेरी सरकार 8% की औसत वार्षिक वृद्धि के साथ अंतर्देशीय मछली उत्पादन में आत्मनिर्भरता की
वो तेजी से बढ़ रही है। बटाईदार किसान विशेषकर भूमिहीन किसान हमारे कृषक समुदाय का एक बड़ा हिस्सा है। वे इनपुट सब्सिडी, फसल ऋण और फसल बीमा के लाभ से वंचित है। मेरी सरकार की बलराम भूमिहीन कृषक ऋण और संसाधन संवर्धन मॉडल योजना का उद्देश्य संयुक्त देयता समूह के गठन के माध्यम से बटाईदारों को संपार्श्विक मुक्त संस्थागत ऋण के प्रवाह को बढ़ाना है। अक्टूबर 2023 के अंत तक लगभग 38,800 ऐसे समूह को पहले ही 303 करोड़ की क्रेडिट राशि का सपोर्ट दिया जा चुका है। शीघ्र ऋण चुकाने वाले किसान 1 अप्रैल 2022 से 1 लाख तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण और 3 लाख तक का फसल ऋण 2% ब्याज दर पर प्राप्त कर रहे हैं। इससे 32 लाख से अधिक और छोटे सीमांत किसानों को ब्याज मुक्त 1 लाख तक का फसल ऋण लाभ प्राप्त करने में लाभ हुआ है। खरीफ 2023-24 सीजन के लिए 9,500 करोड़ के अल्पावधि स्वल्पावधि फसल ऋण वितरण लक्ष्य के मुकाबले सहकारी बैंकों सहकारी समितियों ने 18.99 लाख किसानों को 9,700 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड राशि का वित्त पोषण किया है। हम प्राकृतिक की अनिश्चितताओं से ग्रस्त हैं और यही बात हमारे किसानों के लिए टिकाऊ खेती से खेती की गतिविधियों को जारी रखने के लिए फसल बीमा को एक महत्वपूर्ण सहायता प्रणाली बनाती है। पारदर्शी और निष्पक्ष फसल बीमा कवरेज सुनिश्चित करने के लिए भूमि रिकॉर्ड पोर्टल को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। 2023-24 से मेरी सरकार प्रति किसान 2 हेक्टेयर के लिए किसान के हिस्से का प्रीमियम प्रदान करने का भार उठा रही है और नामांकन को मान्य करने के लिए किसानों से प्रति आवेदन 1 रुपये की टोकन मनी एकत्र की गई है। खरीफ 2022 के दौरान लगभग 16.8 लाख आवेदनों पर 546 करोड़ का बीमा दावा पहले ही निपटाया जा चुका है। मेरी सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए मूल समर्थन योजना के तहत नेफेड की ओर से MSP पर किसानों से दलहन और तिलहन खरीदने के लिए मार्केट को हर साल 100 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए कॉर्पस फंड का गठन किया है। राज्य के कृषक समुदाय को सुनिश्चित सुविधाएं प्रदान करने के लिए मेरी सरकार ने चल रही प्रमुख और मध्यम परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर दिया गया है। सूखाग्रस्त बलंगीर जिले में लोअर सुक्तल बांध, बड़गढ़ और सोनपुर जिलों में 25,600 हेक्टेयर को सिंचाई प्रदान करने वाली गंगाधार मेयर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, मयूरगंज जिले में 10,000 हेक्टेयर को सिंचाई प्रदान करने वाली हल्दिया बांध और वितरण प्रणाली केंदुझर में आनंदपुर बैराज की बेतरनी लेफ्ट बैंक नहर शामिल है। 2023 के दौरान कुछ प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं पूरी हुई है। इसके अलावा गंजाम में घटेश्वर बहुदेशीय बांध, अनुगुल जिले में मंजूर एक्सटेंशन, नयागढ़ जिले में कुसमी बैराज और कालाहांडी में संदूल बैराज के परियोजना कार्य तेजी से पूरा होने की दिशा में है। राज्य में सिंचाई के बुनियादी ढांचे के निर्माण पर अपना जोर जारी रखते हुए नवरंगपुर जिले में नवरंगपुर लिफ्ट सिंचाई और तुरी गुंगेट बैराज, मयूरभंज जिले में खारी भंडान बैराज के प्रारंभिक कार्य और नयागढ़ जिले में भूटान बांध को मेरी सरकार ने शुरू की है। मेरी सरकार की प्रमुख योजनाओं के तहत इन स्ट्रीम स्टोरेज स्ट्रक्चर के निर्माण के तहत शुरू किया है।